जोहार साथियों, मेरा नाम मारुति मानो है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डरों पे, उस किसान आंदोलन में शुरू से लेकर अंतिम तक हम उस आंदोलन के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ उस ये बेहतरीन एक ऐसा आंदोलन था कि उस आंदोलन में सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, वहाँ कोई लीडर नहीं था। जिनको लोग और मीडिया लीडर मानती है, दिखाती है, वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। और हम लोग उस आंदोलन में रहे हैं तो सब लोगों को जानते हैं कि किसकी कितनी भूमिका थी। अलग अलग काम बांटा गया था लोगों का कि सरकार से इतने लोग बात करेंगे, आंदोलन स्थलों की व्यवस्था इतने लोगों देखेंगे, बाहर में आंदोलन कैसे स्प्रेड हो इतने लोग देखेंगे। तो सबका अपना अपना काम था, सारे लोग बराबर थे इस आंदोलन में। दरअसल पहली बार मैं अपने जीवन में एक ऐसा आंदोलन देखा जिसमें इक्वलिटी दिखी, जिसमें समानता दिखी, जहाँ पे सभी लोग एक भावना से एक दूसरे को देखते थे। वहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं था, सारे लोगों का एक लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और वही चीज़ हम चाहते हैं कि समाज में भी आए, वो समानता का भाव आए। किसान आंदोलन में केवल एक दो उपलब्धियाँ नहीं हैं, सैकड़ों उपलब्धियाँ हैं और उन उपलब्धियों को गिना नहीं जा सकता है। मैं व्यक्तिगत इस आंदोलन को आज़ादी के आंदोलन की तरह देखता हूँ। जो संघर्ष हमारे स्वतंत्रता सेनानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किए थे, वर्तमान समय में हमारे माँ बाप, हमारे किसान, जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनने जा रही है मोदी जी के माध्यम से, उसके खिलाफ लड़ी। और मोदी सरकार जिस तरीके से रोटी को तिजोरी में बंद करने की एक प्रयास में लगी हुई थी, उस प्रयास को उन्होंने 750 किसानों की शहादत देख के बचाया, रोटी को बचाया। इससे किसानों का दिन बेहतर नहीं होगा ये कानून वापस हुआ, पर ये रोटी को बचाने की लड़ाई थी। क्योंकि ये कानून लागू हो जाता तो सारी खेती जो है और सारे अनाज पे कंपनियों का कब्जा हो जाता, और वो जिनको चाहते उन्हीं को जो है अनाज उपलब्ध कराते। और इस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश और देश को बचाने का काम किया सांप्रदायिकता के आग से, क्योंकि वर्तमान समय में जो सत्ता है उसके पास केवल एक हथियार है कि दो मजहब को आपस में लड़ा दो और दो भाई को आपस में लड़ा दो। उसको ये आंदोलन रोकने का काम किया और इस मुल्क को बचाया, इस समाज के ताने बाने को मजबूत किया ये आंदोलन। जो यहाँ की डाइवर्सिटी थी उसको मजबूत किया। आप पत्रकार साथी थे, बहुत सारे जो इनके पत्रकार हैं, खास तौर पे जो बीजेपी की पेड मीडिया है, किसानों को क्या नहीं कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको नक्सलवादी कहा, उनको माओवादी कहा, उनको आंदोलनजीवी कहा, उनको मावाली कहा। इस भारत सरकार की एक मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मावाली कहा, पर फिर भी किसान आज गांधी की शहादत दिवस है और गांधी के बताए हुए रास्ते पे अहिंसात्मक तरीके से अपने 700 से 750 लोगों की कुर्बानी देके इस अहंकारी और हिटलरशाही सरकार को झुकने पे मजबूर किया और देश के लोगों से माफ़ी मांगने पे मजबूर। वर्तमान समय में जो इस देश का निजाम है वो अपने राजनीतिक जीवन में कभी हार नहीं माना था, पहली दफ़ा वो किसानों के सामने झुका और हार माना।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसानों ने अपने लोगों की कुर्बानी देके इस मुल्क को बचा लिया, और उस मुल्क की बचाने की लड़ाई में मैं शामिल था, इसलिए मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैं उस लड़ाई में था जब मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही, उन्हीं की तो भूमिका थी। कैसे, आपने एक्सप्लेन करके बताया? उनकी भूमिका हम लोगों से भी, मतलब जो पुरुष हैं उनसे भी बड़ी भूमिका थी। वो घर की खेती भी देखती थी और आंदोलन के लंगरों को भी देखती थी। जितने बड़े पैमाने पे किसान थे उतने बड़े पैमाने पे महिला किसान भी थी, उनके बिना ये लड़ाई बिल्कुल अधूरी थी। मतलब हम लोग जो अचीवमेंट किए एक तानाशाह सरकार को हराए, वो तभी संभव हो पाया कि हमारे साथ इस देश की नारी शक्ति खड़ी थी, हमारी महिला किसान हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ी थी। हम एक कदम चलते थे तो वो दो कदम चलती थी। वो लंगर, हम सुबह 7 बजे उठते थे तो वो सुबह 4 बजे उठ के लंगर तैयार करती थी। और जो हमारी महिला किसान गांव पे थी, घर पे थी, वहाँ पे बच्चों का देखभाल करना, मवेशियों का देखभाल करना और खेती बाड़ी का भी काम हमारी महिला किसान कर रही थी। स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, मतलब कैसे ये लड़ा जाए आंदोलन वगैरह, उस लेवल पे कोई महिला है क्या आपके साथ? मतलब आपने जो बताया लंगर चलाना, ये वो महिला घर पे भी करते ही है, मतलब वो इन जनरल भी जॉब पे जाती है, घर पे खाना बनाती है, फिर आके खाना बनाती है, इसका ये समझ गई मैं। पर स्ट्रैटेजी लेवल पे महिलाएं कहाँ है किसान आंदोलन में? बिल्कुल, उसमें आप देख सकती हैं आपके महाराष्ट्र महिला नेता, हाँ, इस हिसाब से किसान आंदोलन की महिला नेता मैं बता दे रहा हूँ, आपके महाराष्ट्र से ही थी, आप जानती होंगी मेघा पाटकर, मेधा पाटकर थी, और एक लोक संघर्ष मोर्चा चलाती हैं, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कर्नाटक की एक हम लोगों की महिला थी, कविता कुलवर्गी, सुमन हुड्डा थी पंजाब हरियाणा से, यहाँ उत्तर प्रदेश से प्रज्ञा लड़की थी बनारस से, तो कई सारी महिला लीडर हैं जो स्ट्रेटजी लेवल पे काम कर रही हैं अलग अलग संगठनों में। कि जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था वो 550 किसान संगठनों का समन्वय था, उनसे बना एक मोर्चा, 500 किसानों का जो संगठन था उसमें कई सारी महिला किसान संगठनें भी थी, कई सारे महिला संगठन भी थी, जो मजदूरी के सवाल को लेके, जो शिक्षा के सवाल को लेके, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, पर हमारे जो संगठनों की मीटिंग होती थी, जो 530 संगठनों की मीटिंग होती थी जब संयुक्त किसान मोर्चे की, उनमें वो आती थी, जिसमें मैं कई सारा नाम आपको बताया, जैसे महाराष्ट्र मेघा पाटकर जी हैं एक आपके, और साथी थी सुमन हुड्डा थी, यहाँ से बनारस से प्रज्ञा सिंह थी। तो स्ट्रेटजी लेवल पे जिस तरीके से पुरुष काम कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी लेवल पे महिलाएं भी काम कर रही हैं। और पहली दफा, मतलब जो 50% जो महिलाओं की भागीदारी की बात होती है वो इस आंदोलन में देखने को मिला, कि जो आधी आबादी है उसकी भूमिका लगातार इस आंदोलन में बना है, और हर स्तर पे वहाँ पे जितनी कमेटियाँ बनी थी सारी कमेटियों में महिला साथी थी, चाहे वो वहाँ के बॉर्डर के कमेटी हो, चाहे वो मीटिंग की कमेटी हो। हाँ, हो सकता है कि वो सरकार के साथ जो मीटिंग हुई उसमें उस समय हमारी महिला साथी नहीं गई, उन पे आपत्ति भी, जैसे मेधाताई को हम लोग भेजना चाहते थे पर अमित शाह
जो सरकार का मंत्री है वो नहीं चाहता था कि वो आए, तो ये सारी बातें हैं। पर वो स्ट्रेटजी लेवल पे महिलाएं हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, बराबर के सहयोगी हैं हमारे स्ट्रेटजी लेवल पे भी। किसान आंदोलन के आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या है? हम लोग जो कॉज को लेके वहाँ पे बैठे थे उसमें सबसे बड़ा कॉज था ये जो तीन कृषि किसान विरोधी जो कानून आए हैं उसको सरकार वापस ले और MSP पे कानून बनाए। अभी 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन बॉर्डरों से हटके गांव तक पहुंच गया है, आंदोलन वहां बॉर्डर पे स्थगित करके फिर से अपने गांव की तरफ आ गया है। और सरकार ने जो वादा किया था, जो सरकार के कृषि सेक्रेटरी सरकार के तरफ से जो वादा किए थे कि MSP पे हम कमेटी बनाएंगे, किसानों का जो मुआवजे का बात है, किसानों के जो शहीद परिवारों का बात है, किसानों पे जो मुकदमा है, उन सब पे सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। और जो लखीमपुर की घटना हुई थी और लखीमपुर की घटना में जो उनका दोषी मंत्री है, आज भी वो मंत्री पद पे बरकरार है, बर्खास्त नहीं हुआ है, उसको लेके कल जो है पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहा है। और आगे उत्तर प्रदेश मिशन भी जो संयुक्त किसान मोर्चा जैसे बंगाल में चलाया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश मिशन भी चलाएगा कि यहाँ से BJP को हटाए, क्योंकि BJP किसानों की हत्यारी पार्टी है और किसानों की अन्नदाताओं की जो हत्या की हुई है पार्टी, वो कतई शासन सत्ता में नहीं रह सकती। और आगे अगर सरकार किसानों पे ध्यान नहीं देती है तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली तो अब आसान हो गया है जाना, क्योंकि 13 महीने ट्रेनिंग हो गई है लोगों की और लोग तैयार बैठे हुए हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को तैयार रखे हैं, कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला ले सकता है और दिल्ली को फिर से घेर सकता है किसानों के सवाल को लेकर। तो सरकार ये भ्रम में ना रहे कि किसान दिल्ली को छोड़ दिए हैं तो दिल्ली आ नहीं सकते हैं, किसानों की एक नज़र अब अपने फसल पे है और दूसरी नज़र दिल्ली की सरकार पे है। वो सैकड़ों प्राचीन मंदिरों को ख़त्म करके बना हुआ है और मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो हमारी विरासत थी। बनारस को बोला जाता था कि बनारस गलियों का शहर है और हजारों सैकड़ों मंदिरों का शहर, और उन मंदिरों को तोड़ के और आप एक विशेष कॉरिडोर बनाएं, ये जायज नहीं। सुंदरता बनारस की कॉरिडोर से नहीं थी, वो सैकड़ों जो मंदिर थे जहाँ पे जगह जगह घंटे बज रहे, जो बनारस की गंगा जमुनी तहजीब थी, एक तरफ बिस्मिल्लाह की सहनाई बजती थी और एक तरफ आपके विश्वनाथ मंदिर में आरती होती थी, वो बनारस था। हम लोग तो इस बनारस को नहीं जानते हैं कि कौन से बनारस में भी रह रहे हैं, हम लोग तो उसी बनारस को सोचते हैं कि वो बनारस काश फिर से लौट के हमारे पास आ जाए, जिस बनारस में हम लोग रहते थे, जहाँ पे एक दूसरे से मोहब्बत थी, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं थी, कि सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे से मिल के रहे। यही एक संक्षिप्त परिचय है जोहार।